भाई, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। तो दोस्तों, लेटर राइटिंग में माहिर तो हो ही गए होंगे। दो चीजें आपको बहुत अच्छे से आ चुकी हैं, एक तो लेटर टू एडिटर कैसे करना है उसका फॉर्मेट आपको पता है, और दूसरा कंप्लेंट लेटर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंक्वायरी लेटर में क्या अलग है, ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर हम याद रखें तो इंक्वायरी लेटर में भी अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भैया, ये तरीका इंक्वायरी लेटर करने का तरीका कैसे अलग है कंप्लेंट लेटर और लेटर टू एडिटर्स। ठीक है भाई, फॉर्मेट सबका सेम रहने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर के, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम। लेकिन वो स्टेटमेंट्स, वो लाइंस जो कि एग्जाम टाइम में हमें याद नहीं आती है, वो कैसे हम रटे, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके। तो देखो, आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा, आपने देखा कि कोई जापानीज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज का कोई भी एडवर्टीजमेंट है और आप बहुत इंटरेस्टेड हो वो लैंग्वेज कोर्स करने में। ठीक है, चलो लैंग्वेज कोर्स नहीं करना, कंप्यूटर कोर्स करना है। तो आपने कोई एक एडवर्टीजमेंट देख लिया जिसमें लिखा हुआ था 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स है, ये इंस्टीट्यूट का, एबीसी इंस्टीट्यूट का नाम है, आप आओ और ज्वाइन कर लो। भाई, आपको ये ही नहीं पता चला कि ज्वाइन करना कब से है, उस कंप्यूटर कोर्स की ड्यूरेशन एग्जैक्टली शुरू कब से है, कब खत्म होगी, है ना। आपको ये नहीं पता फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं है। ठीक है, और वो कोर्स करके आपको कोई प्लेसमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप बहुत इच्छुक हो और उसी कारण आप एक लेटर लिख रहे हो उसी इंस्टीट्यूट को जिसका एडवर्टीजमेंट आपने देखा था। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ बातें जाननी है, पूछताछ, इंक्वायरी करनी है, इसीलिए हम एक लेटर लिखने जा रहे हैं आज। तो मान लीजिए किसी कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है एंड यू आर सूरज, आप सूरज हो, बट क्वेश्चन में आपको अपना एड्रेस नहीं दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको अपना एड्रेस गिवन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल। तो हम यहाँ पर जब पूरा लेटर लिखेंगे तो हम उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। और जिस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, लेट्स से गोस्वामी इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, गोस्वामी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं लिखी हुई थी और आप वो जानना चाहते हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं एक कंप्यूटर कोर्स करने में, कंप्यूटर कोर्स आपको करना है। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, एक इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। तो देखें जरा कैसे लिखते हैं ये लेटर, चलो तो शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस गिवन नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखा बच्चों हमने, एग्जामिनेशन हॉल। चल, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। फिर हमें लाइन निकालने की जरूरत है, एक लाइन का गैप हमने यहाँ पर दे दिया, सेंडर्स एड्रेस। फिर एक लाइन का गैप देने के बाद हम क्या लिखते हैं, डेट डालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डेट है, हमने यहाँ पर वो डेट डाल दी 2020। ठीक है भाई, अब आपने डेट डाल दी है, फिर आप एक लाइन का गैप देंगे और भाई लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस, किसको मिल रहा है ये पत्र, ये जो आपने इंक्वायरी लेटर लिखा है किसके लिए लिखा है, भाई कौन रिसीव करेगा, गोस्वामी इंस्टीट्यूट वाले करेंगे, है ना। तो आपने यहाँ पर लिखा गोस्वामी इंस्टीट्यूट, और आगे जो भी एड्रेस दे रखा था, लेट्स से यहाँ पर एड्रेस आपको दे रखा था शास्त्री नगर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया शास्त्री नगर। चलो, तो ये आपको सेंडर्स एड्रेस, कुछ नहीं गिवन था, एग्जामिनेशन हॉल लिखा, देन हमने डाली डेट, एक लाइन का गैप दिया, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया, फिर इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। भाई, आप ये जो लेटर उनको लिख रहे हो किस बारे में लिख रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो इंक्वायरी अबाउट द जॉइनिंग ऑफ, इंक्वायरी अबाउट द जॉइनिंग ऑफ कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स। ये रीजन था, ये कारण था जिस वजह से आप उनको ये लेटर सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, भैया इस वजह से मैंने ये लेटर लिखा है।
फिर आपने यहाँ पर लिखा सर या मैडम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहली लाइन क्या होगी, बॉडी ऑफ लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहली लाइन ध्यान से देखिए, दिस लेटर इज इन द रेफरेंस टू, ये किस वजह से आपने भेजा है, कहां देखा था, कैसे पता चला? तो आप बताओगे कि भैया इन रेफरेंस टू या इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट। आप ये बोलो कि भाई तुमने, अब जो गोस्वामी इंस्टीट्यूट वाले उनसे आप कह रहे हो भाई तुमने जो वो एडवर्टीजमेंट छपवाया था डेली न्यूज़पेपर में, मैंने वो एडवर्टीजमेंट पढ़ा और उसी के रिस्पॉन्स में, उसी के रेफरेंस में मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। दिस लेटर इज इन द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट दैट यू पब्लिश, जो कि आपने छपवाया था, that you published, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो, in the Hindustan Times, Hindustan Times, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया कि भैया आपने उस Hindustan Times में एक एडवर्टीजमेंट छपवा रखा था, तो मैंने उसके रेफरेंस में आपको लेटर लिखा है। अब उसमें था क्या, अब आप क्यों ये ज्वाइन करना चाहते हो कंप्यूटर कोर्स? आप बोल सकते हो कि रिसेंटली मैंने अभी क्या किया, रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में अपनी 10th कंप्लीट की है, तो जो समर वेकेशंस है मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो आप यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर में वो सारी बातें लिखेंगे जिस वजह से आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, हर एक चीज के लिए हमें कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो मैं अपने समर वेकेशन के पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता हूँ और मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे एडवर्टीजमेंट में नहीं मिली। तो आप क्या चाहते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो काइंडली प्रोवाइड मी ऑल द डिटेल्स, काइंडली प्रोवाइड मी दीज डिटेल्स। अब कौन कौन सी डिटेल्स आप जानना चाहते हो? सबसे पहली डिटेल आपने लिख दी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मान लीजिए आपको नहीं पता कितने समय तक चलेगा आपका ये कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। फिर आप जानना चाहते हो फी स्ट्रक्चर क्या होगा, फी स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है आपको मंथली पे करना पड़ेगा या फिर कोई पैकेज सिस्टम क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो, है ना। फिर अगर एक और चीज आप लिखना चाहो तो प्लेसमेंट के बारे में, कि आपका ये कोर्स करने के बाद कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, और अगर वो आपको नहीं लिखना है तो फिर आप टाइमिंग्स के बारे में भी पूछ सकते हो, टाइमिंग्स के बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं मिली थी, इसीलिए आप इंक्वायरी लेटर इनको भेज रहे हो, ठीक है। फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले एक लाइन लिखनी होगी आपको, तो आप लिख सकते हो लास्ट में जो आपको लिखना है, आई होप यू विल रिप्लाई मी विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, विद ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द सारी डिटेल्स के साथ मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी यूजिंग द ईमेल, मान लीजिए कोई ईमेल आपने इसके साथ सेंड कर दी है, जैसे कि मेल मी एट gmail.com, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं, आपने क्या लिखा, प्लीज कॉन्टेक्ट मी यूजिंग द ईमेल, आपने एड्रेस यहाँ पर दे रखा है mailme@gmail.com, ठीक है। फिर उसके बाद थैंक यू योर्स फेथफुली या फिर ट्रूली, योर्स फेथफुली, और उसके बाद क्वेश्चन में जो नाम गिवन है आप वो लिखोगे, लास्ट में सूरज दिखा था तो आपने क्वेश्चन में अपना नाम जो गिवन था वो ही यहाँ पर लिख दिया। सो दिस इज ऑल, हमने यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं, देन जो बॉडी ऑफ लेटर है उसमें इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बारे में थोड़ा सा बताया, एंड फाइनली हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख दिया जिसमें हमने लिखा थैंक यू,
योर्स फेथफुली सुमित। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।